मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो किसी जेल में कैद होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसे घसीटते हुए जेल से बाहर ले जाते हैं। फिर वो लोग उस लड़के को जेल की बालकनी में लेकर आते हैं, जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग उसे देखने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। और वो लोग उसे खूनी और दरिंदा बुलाते हैं। और तभी वहाँ पर जेलर सभी के सामने ऐलान करता है कि 2 दिन बाद इस लड़के को शहर के बिल्कुल बीच सभी के सामने बांधा जाएगा और इसके शरीर की हड्डियों को तब तक तोड़ा जाएगा जब तक इसकी जान ना निकल जाए। अब ये सुनकर वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम एक फिश मार्केट में फिश बेचने वाली एक औरत को देखते हैं, जो कि वहीं पर एक बच्चे को जन्म देती है। इस औरत के पहले भी 4 बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे, इसलिए उसे लगता है कि शायद उसका ये बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ है, और वो उस बच्चे को वहीं छोड़ देती है। पर तभी वो बच्चा रोने लगता है और शहर के सभी लोग उस बच्चे की आवाज़ सुन लेते हैं, जिससे उन लोगों को लगता है कि शायद उसकी माँ ने ही उसे मारने की कोशिश की है, जिस वजह से उसे इस जुर्म में मौत की सजा दी जाती है। अब उस बच्चे का दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसे एक अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है और वहाँ पर उस बच्चे का नाम जॉन रखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस अनाथ आश्रम की हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि जॉन के वहाँ पर आते ही बाकी बच्चे उसे मारने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहाँ पर उस अनाथ आश्रम की मालकिन आ जाती है और वो जॉन को बचा लेती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और जॉन 5 साल का हो जाता है, लेकिन 5 साल का होने के बाद भी वो अब तक एक शब्द भी नहीं बोल पाता था, लेकिन उसके पास एक अनोखी शक्ति थी। असल में जॉन की सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी, जिस वजह से वो कितनी भी दूर रखी चीजों को सूंघ कर बता देता था कि वो क्या है। अब धीरे धीरे और वक्त बीतता है और जॉन 13 साल का हो जाता है और अब उसमें थोड़ा थोड़ा बोलना भी आ जाता है। अब जॉन के 13 साल के हो जाने के बाद अनाथ आश्रम की ओनर डिसाइड करती है कि वो जॉन को बेच देगी और वो उसे जानवरों की खाल बेचने वाले एक आदमी को बेच देती है। फिर वो जैसे ही जॉन से दूर जाती है, तभी वहाँ पर कुछ लुटेरे आकर पैसों के लिए उसे मार डालते हैं। असल में जॉन में एक और शक्ति थी कि अगर कोई उससे दूर जाने की कोशिश करेगा तो उस इंसान की मौत हो जाएगी, और इसी वजह से मूवी की शुरुआत में उसकी माँ की और अब अनाथाश्रम के ओनर की मौत हो गई। अब वो आदमी जिसने जॉन को खरीदा था, वो उससे बहुत ज्यादा काम करवाता है और कुछ दिनों बाद वो उसे सामान बेचने के लिए पहली बार पेरिस की एक मार्केट में लेकर आता है। जॉन जब उस मार्केट में घूम रहा था, तभी उसे वहाँ पर खुशबू आती है और वो उस खुशबू का पीछा करता हुआ एक दुकान के आगे जाकर रुक जाता है। ये दुकान एक परफ्यूम की दुकान थी, जहाँ पर सभी लोग परफ्यूम को चेक कर रहे थे। जॉन को ये खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी, पर तभी उसे एक और खुशबू आती है और जॉन उस खुशबू का पीछा करने लगता है। पर तभी वो देखता है कि ये खुशबू तो एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही थी। फिर जॉन उस लड़की के पास जाता है, लेकिन वो लड़की जॉन को देखकर डर जाती है और उसे लगता है कि जॉन कोई भिखारी है, इसलिए वो उसे खाने के लिए एक फल देती है। लेकिन जॉन उस लड़की का हाथ पकड़कर सूंघने लगता है, जिससे वो लड़की और डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जॉन उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ता और वो उसे सूंघते हुए फिर से उसके पास पहुँच जाता है, लेकिन इस बार वो लड़की जॉन को देखकर चिल्लाने लगती है। पर तभी जॉन उसका मुंह पकड़ लेता है ताकि उसके चिल्लाने की आवाज़ किसी को सुनाई न दे। फिर कुछ देर बाद जब जॉन अपना हाथ उस लड़की के मुंह से हटाता है, तो वो देखता है कि वो लड़की मर चुकी होती है। फिर जब उस लड़की को सूंघता है, तो देखता है कि उसमें से वो खुशबू आना भी बंद हो गई थी। आगे हम देखते हैं कि पेरिस में बहुत से लोग थे जो परफ्यूम बनाया करते थे, और उनमें से एक था बाल्दिनी, जो पहले तो बहुत अमीर हुआ करता था, पर अब उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता था। उसी दौरान वहाँ पर बाल्दिनी का एक असिस्टेंट परफ्यूम की बोतल लेकर आता है, जिसे उसने हाल ही में बनाया था, लेकिन बाल्दिनी उस परफ्यूम को ट्राई करने से मना कर देता है और वो खुद का एक परफ्यूम बनाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन बाद में वो उस असिस्टेंट के परफ्यूम को ट्राई करता है। वो ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसने उस परफ्यूम में क्या क्या डाला है। अब बहुत बार ट्राई करने के बाद भी वो ये पता नहीं लगा पाता कि उस परफ्यूम को बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है। फिर एक रात जॉन उसके घर पर खाल की डिलीवरी देने जाता है, और उसके घर के अंदर आते ही जॉन को वहाँ पर की सभी परफ्यूम की चीजों की खुशबू आने लगती है। जॉन को बाल्दिनी के हाथ से भी परफ्यूम की खुशबू आती है, और तभी वो उससे कहता है कि उसने जो परफ्यूम लगाया है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने उसमें कुछ चीजों को जरूरत से ज्यादा डाला है। अब बाल्दिनी को लगता है कि शायद इस लड़के में कुछ खास बात है, इसलिए वो उसका टेस्ट लेने के लिए जॉन से उस परफ्यूम का फॉर्मूला पूछता है, लेकिन जॉन उसे कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो अनपढ़ था और उसे पता नहीं था कि फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। पर वो बाल्दिनी से ये कहता है कि वो इसी वक्त उसके लिए परफ्यूम बना सकता है, जिसके बाद वो उसके लिए वैसा ही परफ्यूम बनाकर तैयार कर देता है। फिर जब बाल्दिनी उस परफ्यूम को ट्राई करता है, तो उसे यकीन हो जाता है कि इस लड़के में जरूर कोई खास बात है। फिर जॉन उससे कहता है कि मैं इससे भी बढ़िया परफ्यूम बना सकता हूँ।
जिसके बाद जॉन उस परफ्यूम को भी बना देता है, लेकिन बाल्दिनी उसे टेस्ट करने से मना कर देता है और जॉन को वहाँ से भगा देता है। फिर जॉन के जाते ही जब बाल्दिनी उस परफ्यूम को टेस्ट करता है तो उसे सूंघने पर उसे लगता है कि जैसे वो स्वर्ग में आ चुका है, जिसके अगले दिन बाल्दिनी जॉन को उस आदमी से खरीद लेता है। इसके बाद जब बाल्दिनी जॉन को वहाँ से ले जा रहा था तभी उसके पुराने मालिक की मौत हो जाती है। फिर बाल्दिनी जॉन को बताता है कि किस तरह से परफ्यूम बनाए जाते हैं और इसके साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि दुनिया में सिर्फ 12 तरह के परफ्यूम है और आज तक कोई भी तेहरवा परफ्यूम नहीं बना पाया, और अगर कोई भी उस तेहरवे परफ्यूम को बना लेता है तो वो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम होगा। अब ये सुनकर जॉन बाल्दिनी से कहता है कि वो तेहरवा परफ्यूम मैं ही बनाऊंगा। अब जॉन बाल्दिनी के लिए परफ्यूम बनाने का काम शुरू कर देता है, जिससे धीरे धीरे उसकी दुकान पहले की तरह शहर में मशहूर होने लगती है और शहर के सभी लोग सिर्फ उसी की दुकान से ही परफ्यूम खरीदते हैं। फिर हम देखते हैं कि जॉन बाल्दिनी के तरीकों से खुश नहीं था, क्योंकि उसके तरीकों में अभी भी कमी थी, जिस वजह से वो तेहरवा परफ्यूम नहीं बना पा रहा था, और इस बात से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और इसी के चलते वो हर वक्त बीमार रहने लगता है। अब जॉन के बीमार होने से बाल्दिनी बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि अगर जॉन मर गया तो उसका परफ्यूम का काम फिर से बंद हो जाएगा। फिर एक दिन बाल्दिनी जॉन को बताता है कि अगर उसे तेहरवा परफ्यूम बनाना है तो उसे ग्रासो जाना होगा, जो कि फ्रांस में है। लेकिन जाने से पहले बाल्दिनी जॉन से परफ्यूम बनाने के सभी फॉर्मूला सीख लेता है और इसके बदले में वो उसे खर्चे के लिए कुछ पैसे दे देता है। अब जॉन तेहरवा परफ्यूम बनाने के लिए ग्रासो शहर की तरफ निकल जाता है, लेकिन उसके जाते ही बाल्दिनी का घर अचानक गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब जॉन ग्रासो पहुंच जाता है और वहां पर वो एक औरत के लिए काम करता है, जहां पर वो जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के तरीकों को सीखता है। अब जॉन उन तरीकों का इस्तेमाल इंसानों पर करना चाहता था और इसके लिए वो एक लड़की को किडनैप करता है और उसके शरीर से खुशबू निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस तरीके से वो बहुत बुरी तरह से फेल हो जाता है। फिर इसके बाद जॉन एक वैश्य को बुलाता है और वो उसे भी मारकर दूसरे तरीके का इस्तेमाल करता है, और इस बार जॉन उसमें से खुशबू निकालने में कामयाब हो जाता है और अब वो अच्छे से सीख लेता है कि इंसानों में से खुशबू को कैसे निकाला जाता है। जिसके बाद जॉन अलग अलग लड़कियों के शरीर में से खुशबू निकालकर उससे परफ्यूम बनाने का फैसला करता है, और इसके लिए वो एक पार्टी में जाता है और वहाँ से वो दो जुड़वा बहनों को किडनैप कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन ने अलग अलग दो खुशबू बनाई थी, जिससे हमें पता चलता है कि जॉन ने उन दोनों बहनों को भी मार डाला था। इसके बाद जॉन एक एक करके शहर की कई लड़कियों को किडनैप करता है और उन सभी को मारकर 12 तरह के अलग अलग खुशबू वाले परफ्यूम बना लेता है। अब शहर में से लड़कियों के गायब होने पर पूरे शहर में बवाल मच जाता है और शहर के सभी लोग डर के मारे अपने घरों के बाहर ताला लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और किसी भी लड़की को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया जाता है। वहीं पर हम एक एंटोनी नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि शहर का बहुत ही जिम्मेदार आदमी था। वो बताता है कि अब तक हमें जितनी भी लड़कियां मरी हुई मिली है उसके शरीर पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे, मतलब कि जो भी उन लड़कियों को मार रहा था उसका मकसद कुछ और ही है। अब पूरे शहर में डर का माहौल बन जाता है, इसलिए शहर के सभी लोग चर्च में जाकर फादर से मदद मांगने लगते हैं। इस पर फादर उनसे बोलते हैं कि वो उनकी मदद जरूर करेंगे, पर तभी वहाँ पर भागते हुए एक आदमी आता है और सभी से कहता है कि वो कातिल पकड़ा गया। लेकिन इस पर एंटोनी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि जिस आदमी ने इतनी लड़कियों को मारा है वो आदमी इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। अब एंटोनी को अपनी बेटी लौरा की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है, क्योंकि वो शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी और शायद अब जॉन का अगला शिकार वो ही थी। इसलिए एंटोनी ग्रासो को छोड़ने का फैसला करता है और वो लौरा को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ से जा रहा था तो जॉन को उसकी खुशबू आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि लौरा ये शहर छोड़कर जा रही है, जिस वजह से वो लौरा का पीछा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन के पास एक औरत का कुत्ता होता है, जिसे जॉन ने मार डाला था। वो कुत्ता अपनी मालकिन की खुशबू को सूंघते हुए उसके जमीन में से दबे हुए कब्रों को बाहर निकाल लेता है और उसे ये करते हुए वहाँ पर एक आदमी भी देख लेता है। तभी वो आदमी वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है और छानबीन करने पर उन्हें वहाँ पर सभी लड़कियों के कपड़े और बाल मिलते हैं जिन्हें जॉन ने मार डाला था। वहीं दूसरी तरफ लौरा और एंटोनी एक होटल में रुकते हैं और रात को सोते हुए एंटोनी लौरा के कमरे को लॉक करके उसकी चाबी अपने पास रख लेता है, लेकिन जॉन कैसे भी करके वो चाबी चुरा लेता है और वो लौरा के कमरे में जाकर उसे भी मार डालता है। अब जॉन के पास एक और परफ्यूम की बोतल बन जाती है और फिर वो उन सभी परफ्यूम को एक बोतल में डालकर उनसे तेहरवा परफ्यूम भी बना लेता है। पर तभी वहाँ पर पुलिस जाती है और जॉन को पकड़ लेती है और यहीं से कहानी वापस प्रेजेंट में जाती है और जॉन को मौत की सजा सुनाई जाती है और शहर के सभी लोग उसे देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। अब जॉन अपने बनाए हुए तेहरवे परफ्यूम को अपने शरीर पर लगा लेता है, जिसे सूंघने के बाद जिस आदमी को उसे सजा देनी थी वो आदमी कहता है कि जॉन बेकसूर है।
इसके बाद जॉन उस परफ्यूम को एक रुमाल में लगाता है और उस रुमाल को हवा में लहराना शुरू कर देता है, जिस वजह से सभी लोगों को तैरवे परफ्यूम की खुशबू आती है और उसको सूखते ही वो सभी लोग एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जॉन वहाँ पर सोच रहा था कि उससे गलती तो हुई है और उसके दिमाग में वही पहली लड़की आती है जिसे उसने पहली बार मारा था। अब जॉन सोचता है कि अगर उसने उस लड़की को नहीं मारा होता तो शायद वो उस लड़की के साथ रहता और उसे प्यार कर पाता। अब इसी दुख में वो वहाँ से चला जाता है और वो उस फिश मार्केट में पहुँच जाता है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। फिर वो अपनी जेब से उस परफ्यूम की बोतल को निकालता है और उसे खुद के ऊपर उलट लेता है। वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे जो उस परफ्यूम को सूंघते ही जॉन पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।